एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकार एंड आज का टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट विल बी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कंटिन्यूड। ये एसएससी क्लास 10th वालों के लिए एक्सक्लूसिवली बनाया है, बट जिस बच्चे को लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में जानना है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के बारे में जानना है, तो हर बच्चा इस सेशन को देख सकता है। ओके बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग ने क्या क्या देखे थे? हम लोग ने मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन के दो मेथड तो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए, अलोंग विद एएसए मेथड भी हमने एक छोटा सा देखा। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, आई बटन आएगा यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एज वेल। ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, आज हम लोग अगर सोच रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा मेथड यहाँ पे आज सॉल्व होने वाला है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहां पे बोला था आप लोगों को कि दो मेथड जैसी होगा, थर्ड मेथड विल बी द क्रेमर्स रूल। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि आज क्रेमर्स रूल पढ़ेंगे। द आंसर इज यस एज वेल एज नो। एक्चुअली आज हम लोग क्रेमर्स रूल नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्रेमर्स रूल को पढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज समझना काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज द डिटर्मिनेंट्स। बच्चों, डिटर्मिनेंट्स अगर आप लोगों को पता नहीं है तो शायद से आप क्रेमर्स रूल कभी सॉल्व ही नहीं कर पाओ, इसलिए आपको पहला डिटर्मिनेंट समझना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके दो फायदे हैं। सबसे पहला, अगर आप डिटर्मिनेंट समझ लेते हैं तो आपको क्रेमर्स रूल सॉल्व करना आएगा। सेकेंड फायदा, डिटर्मिनेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। सो दोनों फायदा हो रहा है तो क्यों ना हम लोग पहले डिटर्मिनेंट्स के बारे में समझते हैं। चलो लेट्स बिगिन। ओके फाइन बच्चों, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? काफी सिंपल है बच्चों, आपको नंबर्स को रो एंड कॉलम में अरेंज करना है एंड दो वर्टिकल लाइन से उसको रिप्रेजेंट करना है, उसको हम डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। काफी वाइड एप्लीकेशन होता है बच्चा इसका, आगे जाकर मैथमेटिक्स में इसके काफी सारे वाइड एप्लीकेशन होंगे। वन ऑफ द एप्लीकेशन इज सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो आपका डिटर्मिनेंट कुछ इस हिसाब से दिखेगा, 5, 3, 1 and 2 अरेंज्ड इन रो एज वेल एज कॉलम इन बिटवीन द टू वर्टिकल लाइंस। कुछ ऐसा दिखता है बच्चों डिटर्मिनेंट। ओके, अभी माना तो सही कि डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा दिखता है, बट सॉल्व कैसे करने का इसको, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। बच्चों, डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने से पहले आपको ना एक नंबर को चूज करना होता है, एंड दैट नंबर विल ऑलवेज बी द टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाला जो नंबर है, टॉप लेफ्ट सबसे पहला जो नंबर आता है ना, उधर से स्टार्ट करना है, एंड देन यू नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई। देख रहे हैं बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टॉप लेफ्ट नंबर से, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कौन सा होगा, 5 एंड 2 विल बी द फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन दैट यू विल बी डूइंग। तो मैंने यहां पे लिख लिया बच्चों 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। उसके बाद में बचा हुआ जो नंबर है उनका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 का भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पे होने वाला है। सिंपल बच्चों, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लिया एक साइड में रखा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 कर लिया दूसरे साइड में रख लिया। वेरी सिंपल है, एंड बीच में बच्चों साइन आएगा माइनस। नो मैटर वॉट, डिटर्मिनेंट में आपको सिर्फ माइनस साइन का ही इस्तेमाल करना है, देर विल बी नो अदर साइन, एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिविजन नो, सब्ट्रैक्शन ही आएगा इन बिटवीन दीज टू नंबर्स। सिंपल था बच्चों, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ दैट 5 into 2 होता है 10 एंड 3 into 1 होता है 3, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा 10 minus 3, and 10 minus 3 gives me the answer as 7. तो आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू within 1 minute of time मिल भी चुका है। काफी सिंपल था ना बच्चों डिटर्मिनेंट निकालना, बहुत ही ज्यादा इजी एंड इफेक्टिव मेथड है बच्चों। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे एक मार्क के लिए। एक मार्क भी काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चा, आपको ये अगर सॉल्व करने आया तो आपको एक मार्क आसानी से मिल गए समझ लो। सिंपल टू अंडरस्टैंड राइट। चलो ये तो बच्चों एक रफ एग्जांपल था डिटर्मिनेंट का, क्यों ना हम लोग जरा रियल वाले एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक में है उसको जरा सॉल्व करें। फाइन, लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 1.3, एंड सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने उठाया है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन उठाया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर, एंड द डिटर्मिनेंट हमें जो देके रखा है यहां पे वो है 3, 2, 4 and 5। ओके बच्चों, कहां से शुरुआत करना है, टॉप लेफ्ट नंबर से स्टार्ट करना है जहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, 3। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो वहां पे कौन सा नंबर आना चाहिए, ऑब्वियसली 3 के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 5 आता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स, बॉक्स विल बी फिल्ड विद 5। सिंपल, बीच में माइनस साइन होना चाहिए बोला था, माइनस साइन है वहां पे, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद में बच्चा बॉक्स मल्टीप्लाइड बाय 4 बोला है, अब बॉक्स में क्या आएगा बच्चा, 4 ऑलरेडी कंसिडर्ड है, यस वेरी गुड बच्चों, वहां पे 2 आएगा। ओके, 3 5 कितना होता है, बॉक्स में आएगा 15,
फोर टू दर एट ऑलरेडी उन्होंने देके रखा है, काफी सिंपल। 15-8 करके देखो आपको आंसर मिलेगा 7, एंड दिस इज हाउ आपको एक मार्क का क्वेश्चन इधर ही खत्म हो गया। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, यस और नो बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं डिटर्मिनेंट के। बट चलो, ये तो एक्टिविटी बेस्ड सम था, ये तो कोई भी सॉल्व कर सकता है सर, ये बहुत इजी है, एनी बडी कुड डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। थोड़ा सा रियल वाले क्वेश्चंस दिखाओ। चलो लेट्स टेक प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, वेयर दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, एंड आपके सामने जो डिटर्मिनेंट दिया है वो इस तरह कुछ है। अब बच्चों प्लीज, एक रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जब भी डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन आते हैं काफी इजी तो होते हैं, बट जब नेगेटिव आते हैं ना नंबर, तो थोड़ा सा प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट पार्ट कि नेगेटिव में थोड़ा सा गलतियां नहीं करनी है, बस इतना याद रखो। ओके, बिकॉज काफी सारे बच्चों के आंसर होते हैं कि हम लोग आंसर राइट दे ही रहे थे बट साइन में कुछ मिस्टेक हो गया, सो यू डोंट हैव टू डू दैट पार्ट, राइट? ओके बच्चों, अभी आप लोगों को वही चीज करना है, तो सॉल्यूशन में मैंने पहला क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसका होगा? -1 और 4 का, दैट विल बिकम -1 multiplied by 4, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बीच में साइन माइनस, वेरी गुड। और कौन सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच्चा? 7 multiplied by 2, वेरी इजी। -1 multiplied by 4 कितना होता है? -4 होता है, तो वहां पे लिख लिया -4। -7 2 कितना होता है? 14 होता है। अब आपको सिर्फ एक सॉल्व करना है बच्चों, -4 -14। आज क्या हो रहा है मुझे, गलतियों पे गलतियां। ओके, -4 -14 बच्चों क्या मिलने वाला है यहाँ पे? -4 -14 विल गिव मी द आंसर एज -18, एंड ये रहा आपका फाइनल आंसर। पुट दैट इनसाइड द बॉक्स इफ यू वांट टू, एंड आपको एक मार्क का आंसर मिल भी चुका है डिटर्मिनेंट का। स्टार्टिंग में सुनते वक्त लगा था ना डिटर्मिनेंट काफी डिफिकल्ट होगा, कुछ तो नया है, एकदम डिफिकल्ट तो ना हो, बट देखो कितना सिंपल है, है ना, बहुत ही इजी एक मार्क का क्वेश्चन है। अगर आपको आएगा तो एक मार्क के लिए आएगा, तो आराम से सॉल्व कर लेना। ओके, चलो थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले ले बच्चा। द एग्जांपल इज प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, अगेन डिटरमिनेंट फाइंड करने बोला है, एंड आपके सामने जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, 5, 3, -7 and 0। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन विद दिस पर्टिकुलर थिंग। द सेम क्वेश्चन अगेन लाइज, एंड आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहला किसका होगा? वेरी गुड बच्चों, 5 multiplied by 0 का होगा, एंड माइनस आएगा बीच में साइन, बिकॉज नो मैटर व्हाट हैपेंस हमें साइन तो माइनस डालना है, एंड देन 3 multiplied by -7 करना है। ओके, ब्रैकेट्स डालना भूलना मत, ब्रैकेट से काफी चीजें आसान होती है, इसीलिए ब्रैकेट्स डालोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। 5 into 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0, सिंपल। माइनस, अब देखो बच्चों, 3 multiplied by -7 बोला है, 7 3 21 होता है, बट माइनस होने की वजह से -21 होगा। ब्रैकेट में देखो, अ डिसिप्लिन बीइंग मेंटेन्ड, ब्रैकेट में माइनस डाला। अब इससे क्या होता है मालूम है बच्चों, जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस और माइनस बिकम्स पॉजिटिव, प्लस हो जाएगा, इसके वजह से आपको 0 + 21 मिलेगा, and that will give me the answer as 21. देखा बच्चा कितना easy questions होते हैं, to be frank, but silly mistakes से यहाँ पे marks जाने के chances होते हैं, so please बच्चों sign के time में थोड़ा सा संभल कर। okay, काफी easy था बच्चा, बहुत easy था। Shall we take another question? थोड़ा practice भी हो जाएगी, right? Okay, practice set 1.3 का ये जो question है बच्चों, अभी जरा ध्यान से देखना, ये जो question मैंने डाला है question number 2 sub question 3, ये एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। अब फ्रैक्शन को देखकर कई सारे बच्चे डर जाते हैं, बट बच्चों डरने की कोई बात नहीं है, आपको स्टेप पता है, वही स्टेप फॉलो करते रहना विद द डिसिप्लिन। ओके, चलो सॉल्यूशन यहां पे क्वेश्चन को कॉपी किया, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करना है। यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वॉट? 7/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, बराबर है, ब्रैकेट के अंदर डाल दो, सिंपल। 7/3 multiplied by 1/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फिर आएगा बच्चों माइनस साइन, माइनस के बाद में बच्चों अभी बचा हुआ नंबर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 5/3 and 3/2 का मल्टीप्लीकेशन होगा, अगेन इनसाइड द ब्रैकेट, वेरी सिंपल। बच्चों अभी कुछ भी मत करना, एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंटेशन मत करना, जस्ट अ नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करो। पहले ब्रैकेट में 7/3 और 1/2 को मल्टीप्लाई करना, 7 × 1 = 7, 3 × 2 = 6, आंसर विल बी 7/6, मतलब 7/6 मल्टीप्लाइड बाय, दूसरा वाला देखो बच्चों, 5 3 = 15 होता है, 3 2 = 6 होता है, तो 15/6 मिलेगा।
अब बच्चों हम लोग ने बचपन से शायद सिक्स या सेवन स्टैंडर्ड से ये सीखा है कि दो फ्रैक्शन के पास अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को कॉमन ले सकते हैं। तो मतलब 7 - 15 / 6 होगा। अब 7 - 15 कितना होता है बच्चों? -8 होता है। तो आंसर आपका मिलेगा -8/6। समझे ना बच्चों? 6 को मैंने एक साथ लाया और 7 - 15 को सॉल्व किया। आपको चाहे तो एक और स्टेप चाहो तो वहां पे लिखना है तो लिख सकते, 7 - 15/6 करके चलेगा। बट मैंने तो डायरेक्टली कर दिया यहां पे, दिस इज ऑल्सो ओके, -8/6। ये आंसर तो हमें भले ही मिल चुका है बच्चों, बट ये सिंप्लीफाइड वर्जन में नहीं है। इसका फ्रैक्शन को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है विद द 2 का टेबल। 2 के टेबल में 8 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है। तो 2 हाउ मच आर 8, 4 आर, नेगेटिव भी है वहां पे तो हो जाएगा -4 एंड नीचे आ जाएगा 3। तो आंसर आपको मिला -4/3। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ही रहने दो, डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको ये जो फाइनल आंसर मिला जो कि सिंप्लीफाइड है, दिस विल बी समथिंग जिसमें तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट ना बच्चों? देखा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी कितना सिंपल होता है। चलो क्यों ना एक और क्वेश्चन लिया जाए बच्चों। आज मैंने काफी सारे क्वेश्चंस लाए बिकॉज क्वेश्चंस है ही इतने छोटे छोटे, आप लोगों को ये प्रैक्टिस करने में काफी आसान होगा। प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन उठाया बच्चों मैंने, प्रॉब्लम सेट 1 का, एंड वो है क्वेश्चन नंबर 4। उसका सब क्वेश्चन नंबर 1 मैंने उठाया आपको लिए। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है 4327, काफी 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 सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आराम से आपको आ जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। 4327 क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों। क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज 4 × 7, साइन आएगा माइनस साइन, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना भी ना भूले, दैट विल बिकम 3 × 2 यहां पे आ जाएगा। वेरी 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 सिंपल। ओके, 4 × 7 होता है 28, -3 × 2 होता है 6, 28 और 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। काफी इजी आंसर है बच्चों, यू विल बी गेटिंग समथिंग कॉल्ड एज 22। हो गया आपका डिटरमिनेंट निकालने का प्रोसेस खत्म। बहुत ही इजी है ना बच्चों, बहुत ही ज्यादा इजी है। ओके चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। हालांकि आप क्वेश्चन अभी सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हैं, मुझे पता है, कंप्लीटली आई बिलीव इन यू, बट मेरे पास क्वेश्चन थे, थोड़ा सा लगा कि आपके साथ डिस्कस कर लूं तो मैंने थोड़े क्वेश्चन उठाए। सारे क्वेश्चन ईजी है, एक भी क्वेश्चन चैलेंजिंग है ही नहीं। ओके तो प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फिर से सब क्वेश्चन 2 उठाया है यहां पे, 5 - 2 - 3 - 1। हाँ ये थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है, ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जो साइन में मिस्टेक करते हैं, गड़बड़ करते हैं। जैसे कि देखो यहां पे सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में बताओ बच्चों यहां पे क्या होने वाला है, 5 और 1 पहला मल्टीप्लाई होगा, सिंपल था, कोई भी बोल सकता है, वेरी इजी। बट माइनस, अभी दूसरा वाला देखो बच्चों, मल्टीप्लीकेशन किसका हो रहा है, -2 × -3, साइन ही साइन, नेगेटिव ही नेगेटिव, हर जगह पे नेगेटिविटी फैल चुका है। ओके 5 × 1 = 5 बच्चों, माइनस को माइनस ही रहने दो पहला बच्चा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे पहले उसको प्लस वगैरह करने की कोशिश में जुट जाते हैं, बाद में करो। -2 × -3 पहले सॉल्व करो बिकॉज बॉर्ड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। -2 × -3 = +6 बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, वहां पे सिर्फ 6 आ जाएगा। अब क्या बचा इस क्वेश्चन में, ये तो बहुत चिंदी है। 5 - 6 करो बच्चों, आंसर विल बी -1, मतलब -1 मिलेगा, खत्म हो गया ये सम भी। बहुत ही ज्यादा इजी था, यस और नो बच्चों? आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका रहेगा। वन मोर क्वेश्चन लेते हैं बच्चा यहाँ पे, प्रॉब्लम सेट 1 का, शायद से आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, काफी इजी लग रहा है ना बच्चों सब कुछ। ओके लेट्स टेक दिस वन एज वेल। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, 3 - 1, 1 और 4। Let's talk about this question as well. Cross multiply करना start करते हैं। Solution है यहाँ पे, copy किया question को वैसे ही। बच्चों आप चाहो तो इस question को अभी pause कर सकते हैं, इस video को pause कर सकते हैं and definitely solve कर सकते हैं बच्चों। I will give you plenty of time. Obviously कहाँ ये भागने वाला ये video? आप लोग आराम से solve करो इस question को and then फिर से इस video को resume करना and check करना क्या आपका answer वही है जो मुझे यहाँ पे मिला है। Okay? चलेगा, fine. चलो मैं बता देता हूं आपको अभी क्या करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 3, तो 3 × 4 = 12 करना है। ओके 3 × 4 लिख के रखा है, चलो अभी माइनस साइन आएगा वहां पे एंड देन दूसरे ब्रैकेट में आएगा -1 × 1 जो कि हमारा दूसरे ब्रैकेट में रहेगा। वेरी सिंपल। ओके 3 × 4 = होता है बच्चों 12,
साइन में अभी फिलहाल कुछ मत करना, साइन को साइन ही रहने दो, माइनस को माइनस ही रहने दो। माइनस वन इंटू वन को पहले सॉल्व करो बच्चों, माइनस वन इंटू वन बिकम्स माइनस वन ओनली, ब्रैकेट में डाल दिया। अब आपको साइन को चेंज करना है, बेशक कर सकते हैं। माइनस माइनस विल बिकम प्लस, आपको पॉजिटिव मिलेगा वहां पे, तो 12 प्लस 1 होता हुआ दिखेगा। एंड जैसे ही आपको 12 प्लस 1 करके मिला, आपको उसका आंसर लिखना है 13। एंड दिस इज हाउ आपको इस क्वेश्चन का भी जवाब वाकई में बड़े आसानी से मिल गया होगा। आई होप जिस बच्चों ने यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आंसर निकालने की कोशिश की है, उन्होंने कोई गलती नहीं की होगी, उनको भी 13 मिला होगा। एंड जिस बच्चे ने गलती कर भी ली होगी, नो प्रॉब्लम बच्चों, ये तो बस शुरुआत है। आप लोगों को प्रैक्टिस करने को काफी टाइम मिलने वाला है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू विल डेफिनेटली एक्सेल फ्रॉम इट। आई एम सो सॉरी, टुडे आई एम सो फॉर्मलिंग इट। ओके, तो ये वाला जो टॉपिक है बच्चों, आज यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैं चाहूँ तो इस वीडियो को और थोड़ा लेकर क्रेमर्स रूल भी बता सकता था, बट आई थिंक बच्चों क्रेमर्स रूल एक नए फ्रेश टॉपिक में लेना काफी अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ताकि हम लोग थोड़ा सा समझ सके एंड इस डिटर्मिनेंट को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सके। तो बच्चों सबसे पहला इसको प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से, एकदम आप लोग इसमें पीएचडी करनी चाहिए, पूरा का पूरा टॉपिक आना चाहिए आपको डिटर्मिनेंट्स का। अगर आपको ये पूरी तरह से आता है, आप तैयार है, तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे बच्चों विद द मेथड कॉल्ड एज क्रेमर्स रूल, जहां हर जगह पे डिटर्मिनेंट ही डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। आई होप आज का सेशन आपको उतना ही नॉलेजेबल लगा होगा जितना पहले वाला लगा होगा, एंड ये वाला मेथड भी आपको समझा होगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको अच्छी तरह से आएगा अभी, आई जस्ट होप सो। अगर सच में पसंद आया होगा ये वीडियो को जेन्युइनली, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना विद एज मच स्टूडेंट्स एज पॉसिबल, आपके दोस्त हो या नेबर्स हो, एवरीवन, एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ओवर हियर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय।